ओडिशा के संबलपुर लोकसभा के कुचिंदा पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजेडी सरकार को आड़े हाथों लिया और डबल इंजन सरकार बनाने का आग्रह करते हुए भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। उन्होंने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का लाभ आम आदमी को न मिलने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेडी सरकार ने केंद्र की योजना का नाम बदलकर बीजू स्वास्थ्य योजना कर दिया है, लेकिन राज्य के प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका लाभ गरीबों को नहीं मिलता है। ये दुर्भाग्यजनक है। ओडिशा में पीएम आवास योजना को ठीक से लागू नहीं करने का आरोप भी उन्होंने बीजेपी सरकार पर लगाया। श्री साय ने ओडिशा की जनता को डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए और कहा कि मात्र 4 महीने में उनकी सरकार ने मोदी की गारंटी के बड़े बड़े वादे पूरे किए हैं। आज कुचिंदा किस पावन धरती में आज के इस विशाल चुनावी सभा में मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता उड़ीसा प्रांत के पूर्व महामंत्री जो हमारे छत्तीसगढ़ में भी संगठन मंत्री रहे ऐसे श्री रंजन पटेल जी, मैं इनके विषय में बताना चाहूंगा कि ये संगठन के शिल्पी हैं। रायगढ़ से हम 4 बार सांसद हुए तो रायगढ़ में 2 जिला आता है, जसपुर और रायगढ़, और हर बार जसपुर जिताता था 1 जिला, लेकिन पार्टी के आदेशानुसार रंजन भाई रायगढ़ में कैंप किए लंबे समय तक और 2014 के लोकसभा चुनाव में हमको जसपुर से ज्यादा लीड रायगढ़ से मिला। 1,06,000 से हम जसपुर से जीते तो 1,11,000 से हम रायगढ़ से जीते, भारतीय जनता पार्टी जीती। तो ऐसे संगठन के शिल्पी हैं।